आज 24 अक्टूबर हमारा पिछले 24 घंटा का जो रेनफॉल रिपोर्ट मिला है इसमें मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स में ड्राई वेदर था। कोस्टल उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट्स में एक दो जगह में करके और ओंगोल ढेंकनल ये दो डिस्ट्रिक्ट्स में एक दो जगह में बारिश हुआ है। हाईएस्ट रेनफॉल जो मिला है सत्तोबादी एक पूरी डिस्ट्रिक्ट में है 18.0 मिलीमीटर, ढेंकनल में हिंदौल 7.2 मिलीमीटर इस तरह से हुआ है। वेस्टर्न उड़ीसा में मोस्टली ड्राई वेदर ही था। अभी हमारा जो मेन सिचुएशन है इसमें अगला 48 आवर्स में उड़ीसा का मेनली वेस्टर्न उड़ीसा एंड नॉर्थ वेस्टर्न उड़ीसा से पार्ट से साउथ ईस्ट मानसून विथड्रॉल होने का चांसेस फेवरेबल हो रहा है और सब्सिक्वेंटली और दो दिन में एंटायर उड़ीसा से हालांकि एंटायर कंट्री से ही साउथ ईस्ट मानसून विथड्रॉल होने का चांसेस है। अभी हमारा जो फोरकास्ट है इसमें मोस्टली अगला चार पांच दिन में ड्राई वेदर ही मोस्टली रहेगा वेस्टर्न उड़ीसा में। कोस्ट अगला तीन दिन तक कोस्टल उड़ीसा का कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में और एडजाइनिंग इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स में एक दो जगह में हल्का से मध्यम बारिश हो सकता है। अगला 24 घंटा में कोस्टल उड़ीसा केउनझर मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में एक दो जगह में बारिश हो सकता है, बाकी मोस्टली ड्राई रहेगा। काल परसों भी इस तरह से रहेगा, उसका बाद मोस्टली होल उड़ीसा में ड्राई वेदर होने का चांसेस है। कटक भुवनेश्वर सिटी में पार्टली क्लाउड स्काई रहने का ही चांसेस है। अभी यही है टेम्परेचर्स जो है मिनिमम टेम्परेचर ग्रेजुअली धीरे धीरे कम होने का चांसेस है, बट नौशाह भी की रहेगा। ओके।